क्लास 8th एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1। तो ये पूरी एक्सरसाइज में स्टेटमेंट्स हम आएंगे। तो पहली स्टेटमेंट देखो क्या कहता है ये, मारिया थिंक्स ऑफ ए नंबर। मारिया एक नंबर के बारे में सोचती है और उसमें से 5/2 माइनस कर लेती है। ठीक है, मारिया ने क्या किया, एक नंबर के बारे में सोचा और उसमें से 5/2 किया माइनस। तो ये माइनस करने के बाद जो रिज़ल्ट आया, इस रिज़ल्ट को उसने मल्टीप्लाई कर लिया 8 के साथ। ठीक है, फिर रिज़ल्ट से जो एक नया नंबर आया है वो 3 टाइम होगा सेम नंबर जो उसने सोचा था। तो आपको बताना है व्हाट इज़ द नंबर। तो चलो करते हैं इसको, सिंपली है क्वेश्चन सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मारिया ने जो नंबर सोचा ना उसको लेट करेंगे, लेट द नंबर, लेट द नंबर इक्वल टू एक्स जो मारिया ने सोचा बाय गिवन कंडीशन। मैं देखो ये शॉर्टकट में ही कंडीशन बना दूंगा, कोई ज़्यादा इसको खींचेंगे नहीं। क्या कहा था उसने, मारिया ने जो नंबर सोचा, ये सोचा था एक्स, उसमें से क्या किया 5/2 कर दिया माइनस, ये कर दिया माइनस। ये रिज़ल्ट आया, क्या रिज़ल्ट आया, एक्स माइनस 5/2। इस रिज़ल्ट को उसने मल्टीप्लाई कर दिया 8 के साथ, ये किया 8 से मल्टीप्लाई। चाहे इधर पीछे मल्टीप्लाई कर लो या आगे कर लो, बात सेम ही है। तो जो रिज़ल्ट उसको मिला इक्वल टू क्या मिला, जो एक नंबर मिला उसको, वो सेम था, किसके सेम था, 3 टाइम द नंबर शी थिंक, उसने क्या सोचा था एक्स, उसके 3 टाइम ये आ गया। ठीक है, तो बस इसको अब सॉल्व करना है, करो। 8 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 8x, माइनस 8 को 5 के साथ किया तो कितना हो गया, 8 5 ज़ार कितना हो गया 40। या देखो मैं इसमें अब रफ जाता हूँ, वो करके बताता हूँ आपको कि कैसे करना है। 8 को मल्टीप्लाई करना है 5/2 के साथ। ठीक है, तो अगर कैंसिल होता करो कुछ, 2 1 2 2 4 8, तो 5 4 कितना हो गया 20। तो कहने का मतलब जब 8 को हम 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका क्या आंसर आएगा, 20 के बराबर आएगा। कैसे आया, मैंने आपको रफ में करके बता दिया, इक्वल टू ये 3x तो आना ही आना है। बस आप क्या करना है, x 3x को यहाँ पे ले आओ, 8x माइनस 3x, 20 को आपने यहाँ पे ले जाना है, प्लस का 20 हो जाएगा। 8 में से 3 गया तो कितना हो गया 5, साथ में x तो आना ही आना, इक्वल टू 20, और x इक्वल टू 20/5, 5 1 5, 5 4 20, तो क्या आया 4। तो मारिया ने जो नंबर सोचा था वो क्या था, 4, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड नंबर किसके बारे में मारिया ने सोचा था, 4 के बारे में सोचा था, ये आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, देखो इसको भी ध्यान से। ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम अनदर नंबर। एक पॉजिटिव नंबर जिसको हमने निकालना है, चलो उसको लेट कर लेते हैं, लेट वन नंबर, लेट वन नंबर इक्वल टू एक्स के बराबर, देयरफॉर अदर नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, 5 टाइम कर दो इसको, 5x आ गया ये। ठीक है, बाय गिवन कंडीशन, क्या गिवन कंडीशन, अगर ये देखो ये आया जिसके नंबर के बारे में मैंने सोचा था, और ये न्यू नंबर उसको 5 टाइम करके आया। ध्यान से कंडीशन सुनना अभी, अगर हम क्या करें दोनों तरफ 21 ऐड कर दें, ये मैंने 21 इधर भी ऐड कर दिया, ये 21 इधर भी ऐड कर दिया, ये कहा हुआ उसने, इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर देन वन ऑफ द न्यू नंबर, ये न्यू नंबर ये वाला है, तो जो न्यू नंबर है वो क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा किसके मुकाबले में, जिसके बारे में हमने सोचा था। तो सोचने वाला क्या था, ये डबल हो जाना है क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन है, तो डबल इसको नहीं करना है, कंडीशन सेटिस्फाई भी होनी चाहिए, तो ये डबल ये हो गया ये। ठीक है, अब इसको करना हमने सॉल्व करना है, करो सॉल्व। ये कितना आ गया 2x, ये 42 आ गया, 21 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 5x प्लस 21, द्वारा सॉल्व करो
टू एक्स, पाँच एक्स को ले आओ इधर, माइनस फाइव एक्स इक्वल टू 21 माइनस 42, छोटी में से बड़ी रकम माइनस हो रही है, माइनस का साइन तो आना ही आना, 3x आ गया। इधर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, छोटी में से बड़ी रकम माइनस का साइन आएगा ही आएगा और 21 आ जाएगा। ये माइनस के साइन अब आप ख़त्म कर सकते हो। तो x की वैल्यू कितनी आई, 21 को डिवाइड करना 3 के साथ, 3 1 3 3 7 21। तो जिस नंबर की बात हो रही थी, एक तो आ गया 7, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर्स दोनों निकालने हैं। एक तो आ गया 7 के बराबर था ना, एक एक्स और दूसरा 7, एंड दूसरा कितना 5x था, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आ गया 35। तो ये दोनों के दोनों नंबर आ गए। तो ये क्वेश्चन नंबर 1-2 थे एक्सरसाइज 2.4 के, ध्यान से इनको समझना और कापियों पे नोट कर लेना है।